हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो है और पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्न नंबर 12.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री, एबी बराबर 9 मीटर, बीसी बराबर 12 मीटर, सीडी बराबर 5 मीटर और एडी बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए मैं इसके लिए पहले फिगर बना लेता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर पहले इसके लिए एक फिगर बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। यह आपका एक चतुर्भुजाकार पार्क हो गया, इसका नाम हम लोग देते हैं ए बी सी डी। यहाँ पे देखिए एंगल सी 90 डिग्री है, ए बी बराबर में 9 मीटर है, बी सी बराबर में 12 मीटर है, सी डी बराबर में 5 मीटर है और ए डी बराबर में 8 मीटर है, ठीक है? ये हमारे पास दिया है फिगर में, देख रहे हैं ना। तो हमारे पास क्या दिया है, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल सी आपका 90 डिग्री है, ए बी बराबर में 9 मीटर है, बी सी बराबर में 12 मीटर, सी डी बराबर में 5 मीटर और AD बराबर में 8 मीटर, यही ना दिया है। चलिए तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें क्या ज्ञात करना, लिख लेते हैं। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है हमें इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें से जो समकोण बन रहा है ना उसी को लेकर एक यहाँ पे एक विकर्ण मिला देंगे। हम एसी को ना मिलाएंगे, इस बीडी को मिलाएंगे इस समकोण को देखते हुए, ताकि एक समकोण त्रिभुज हमें मिल जाए। तो मैं यहाँ पे रचना कर रहा हूँ, रचना में क्या किया कि बीडी को मिलाया, विकर्ण बीडी को मिलाया या बीडी को मिलाया, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है? चाहो तो आप इसे डॉटेड कर सकते हैं, समझ गए? तो अब चलिए इसका हल देखते हैं। दो भाग में हो गया, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज बी सी डी में। यहाँ पर अगर मैं बी डी के लंबाई की बात करूँ, अब बी डी की जरूरत इसलिए पड़ेगी ताकि इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो तीनों भुजा पता होनी चाहिए ना। इसका तो निकाल लूंगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई से, लेकिन इसका निकालने के लिए मुझे ये चाहिए। चलिए तो बी डी निकाल लेते हैं, तो रूट अंडर बी सी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, तो 144 और प्लस में 25, यानी कि रूट अंडर 169, यानी कि 13 मीटर आ जाएगा। ये हो गया आपका 13 मीटर। चलिए तो पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, आधार हो गया बी सी और ऊंचाई हो गया आपका सी डी, 1/2 12 गुना में 5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको काट देते हैं 6 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर जिसका क्षेत्रफल लगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ध्यान से देखिए ए बी डी में हम लोग क्या कर लेते हैं, ए बराबर में तीनों भुजाओं को ए बी सी मान लेंगे, ए बराबर में 13 मीटर, बी बराबर में आपका 8 मीटर और सी बराबर में मैं यहाँ पे ले लूंगा 9 मीटर। देख लीजिए 13, 8 और ये 9, इनको ए बी सी मैं यहाँ मान लेता हूँ। अब इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, एक का तो निकाल लिया मैंने, दूसरे का निकाल के जोड़ देंगे। तो पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा ना जी, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला एस बराबर में तीनों भुजा के योग में 2 से भाग कर देना है, तो हो जाएगा 13 + 8 + 9/2 मीटर। कितना आ जाएगा देखते हैं, यहाँ पर आपका 3 और 8, 8 × 3 = 11 और 9 = 20 का 0, 2 बचेगा और 2 × 1 = 3, 30/2 कट जाएगा यहाँ पे 15 बार में, तो 15 मीटर यहाँ अर्ध परिमाप हो गया। चलिए तो अब इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो जानते ही आप लोग, रूट अंडर
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। तो यहाँ से रूट अंडर एस का मान यहाँ 15 है, यहाँ 15 माइनस ए का मान आपका 13, फिर 15 माइनस 8 बी का मान, और फिर 15 माइनस सी का मान 9 मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 15 गुना यहाँ घटाएंगे तो 2, यहाँ घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 मीटर स्क्वायर। चलिए 15 को 3 गुना में 5 लिख सकते हैं, और गुना 2 गुना 7 गुना में 2 गुना 3 6 को कर दिए, तो अब यहाँ पेयर बन जाएगा। तो पेयर देखिए 2 का भी बन गया, एक बार 3 का भी बन गया, और अंदर आपका बच जाएगा 5 गुना में 7 मीटर स्क्वायर, ये 6√35 मीटर स्क्वायर, समझे ना। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, 6 इंटू में रूट 35 का मान हो जाएगा 5.92 लगभग में इतना हो, इसको यहाँ पे गुना करेंगे तो 35.52 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अब निकालते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ना होगा। तो एक त्रिभुज का नाम है आपका बी सी डी और दूसरे का ए बी डी। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल है आपके पास 30 मीटर स्क्वायर और इसका है 35.52 मीटर स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 65.52 मीटर स्क्वायर लगभग, समझ गए, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या है, जिनमें ए बी बी सी सी डी डी ए और ए सी, यहाँ पे इनका मान दिया हुआ है। तो पहले मैं यहाँ एक चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज का निर्माण कर लेता हूँ। पहले ध्यान से देखिएगा, चलिए कुछ इस तरह से मैं एक चतुर्भुज का निर्माण कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, ए बी बराबर में है 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर में है 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर है 4 सेंटीमीटर और डी ए बराबर में है 5 सेंटीमीटर, और विकर्ण ए सी दिया है, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्र निकाल कर जोड़ लूंगा। पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आइए, तो यहाँ पर मैं तीनों भुजाओं को ए बी सी करके मानूंगा, ए बराबर में 4 सेंटीमीटर, बी बराबर में 5 सेंटीमीटर और सी बराबर में 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तीनों भुजाएं मैंने ले लिया 4, 5 और 3, ठीक है। अब हम लोग पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, अर्ध परिमाप तो वही एस बराबर में तीनों भुजाओं को योग में 2 से भाग कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 + 5 + 3/2 सेंटीमीटर, तो कितना जाएगा 5 × 3 = 12/2 कट जाएगा 6 बार में, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप आ जाए, ठीक है। अब इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो फॉर्मूला तो पता ही है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हीरोन का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, ये जानते हैं ना, तो इसी का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हो जाएगा 6 × 6 − 4 × 6 − 5 × 6 − 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितना आता है, तो रूट अंडर 6 × 2 × 1 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 6 को 2 × 3 नहीं लिख सकते हैं, और गुना में 2 × 3 ये 1 को भूल जाइए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पेयर बन गया 2 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज ए बी सी का। अब त्रिभुज ए सी डी के लिए चलते हैं, तो आगे देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए सी डी, ए बराबर में मैं यहाँ 4 सेंटीमीटर, बी बराबर में
यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और सी बराबर में भी 5 सेंटीमीटर, 4 5 5 तो है ना जी। चलिए तो यहाँ पे अर्ध परिमाप की बात करेंगे, अर्ध परिमाप की बात करेंगे तो वह तीनों भुजा के योग में हमें 2 से भाग कर देना होगा, 4 प्लस 5 प्लस 5 बटा 2 सेंटीमीटर, यानी कि 14 बटा 2 सेंटीमीटर, कट जाएगा 7 बार, तो 7 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप आ गया। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 7 × 7 − 4 × 7 − 5 × 7 − 5 × 7 − 5 cm². चलिए देखते हैं अंदर रूट के अंदर, यहाँ पर आपका 7 गुना, यहाँ घटाएंगे तो 3, और यहाँ पर आपका 2 × 2 cm², तो ये पेयर बनेगा, बाहर निकल जाएगा तो 2√21 cm², समझे ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 गुना में इसका रूट क्या हो जाएगा, रूट अंडर 21 का वैल्यू होगा 4.582 cm², तो इसको इससे गुना कर देते हैं 9.164 cm² आएगा, जो कि लगभग में इसे हम लोग 9.2 भी लिख सकते हैं, लगभग में यही ना हो जाएगा, लगभग में 9.2 cm². तो अब लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ए बी सी का क्षेत्रफल आपका आया था 6 सेंटीमीटर² और इसका आया है 9.2 सेंटीमीटर², तो यहाँ 15.2 सेंटीमीटर² लगभग में नहीं आ जाएगा, लगभग में यह आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसे ये बगल में फिगर में देख रहा है ना, जैसे आप आकृति में देख रहा है, प्रयोग किए हुए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखो इसमें क्या किया ना, ध्यान से देखो, यहाँ ये इस हिस्से को पार्ट 1 नाम दे दिया, इसको 2, इसको पार्ट 3, इसको 4 और 5 नाम दिया है, समझिए। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूँ तो पार्ट 1 की तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि यह एक त्रिभुज बना हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार का बना हुआ है डिजाइन, पार्ट 1 जो आपको दिख रहा है। मैं क्या करूँगा, अलग अलग हिस्से का क्षेत्रफल निकाल कर सबको जोड़ लूंगा, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में बना है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, तो इधर वाला भी ये आपका 5 सेंटीमीटर ही होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए पार्ट 2 के डिजाइन की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, यानी कि ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग इसमें त्रिभुज मान लेंगे कि माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी तथा सी है, ए बी तथा सी है, तो ए बराबर में 5 सेंटीमीटर, बी बराबर में 5 सेंटीमीटर और सी बराबर में 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इसका हम लोग निकालते हैं अर्ध परिमाण, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो क्या करेंगे अर्ध परिमाप, यानी एस की बात हो रही है, तीनों भुजा को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 5 + 5 + 1/2 11/2 सेंटीमीटर, यानी 11/2 को 5.5 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला जानते हैं हीरोन सूत्र, रूट अंडर s × s − a × s − b × s − c, तो यहाँ पे जो है त्रिभुज क्या नाम दे दें, त्रिभुज 1 कर दे क्या, फर्स्ट वाला जो त्रिभुज हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको त्रिभुज फर्स्ट कर देते हैं का क्षेत्रफल, रूट अंडर
5.5 इंटू में 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5 और इंटू में 5.5 माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर 5.5 गुना में 0.5 गुना में 0.5 और गुना में यहाँ पर आ जाएगा 4.5। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए अब हम लोग 5.5 है तो 11 गुना 0.5 कर सकते हैं, इसे गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर 0.5 गुना में 0.5 और गुना में ये आपका 4.5 है, तो यहाँ पर मैं 0.5 गुना में 3 गुना 3 कर सकता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो पेयर बन जाएगा, तीन 9 9 5 45, यानी 4.5 नहीं आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पेयर बनना 0.5 का 4 बार है तो 2 बार निकलेगा, और 3 2 बार है तो 1 बार निकलेगा, और रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखो क्या जाएगा, 50 25 और 25 75, तो 0.75 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे ना। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा सा, तो 0.75 और इंटू हो जाएगा रूट 11 का वैल्यू 3.4 अप्रॉक्स में ही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गुणा करेंगे तो 2.55 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला इस फिगर में देखिए, दूसरा हिस्सा यह वाला है, तो ये आपका आयत है ना जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके हिस्सा यह दो जो है क्षेत्र टू है, क्षेत्र टू का क्षेत्रफल, तो इसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा हिस्सा यह है, तो चलिए इसको लेते हैं, ठीक है। तो यह आपका एक समलंब चतुर्भुज दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज की रचना कर लेता हूँ इसी को थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है। यह आपका जो समलंब चतुर्भुज इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा करके देख लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसमें देखिए आप, यह 1 सेंटीमीटर है, यहाँ भी ये 1 सेंटीमीटर दिया है, ये 1 सेंटीमीटर दिया है, ये थर्ड वाला क्षेत्र है इसके बारे में बात करें, और यह 2 सेंटीमीटर दिया है। मैं इसमें एक रचना करूँगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसके समांतर ये खींच दूंगा, जो मैंने खींचा है क्या इस वाले के समांतर है, तो यह 1 सेंटीमीटर है, तो यह आपका 1 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि यह आपका एक समांतर चतुर्भुज बन गया, तो आमने सामने की बजाय समांतर और बराबर भी हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये इसके समांतर है और मैंने इस रेखा के समांतर यह लिया, यह रेखाखंड के समांतर ये लिया, तो जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए और ये भी समांतर होते, समांतर चतुर्भुज होता है, आमने सामने की बजाय बराबर होंगे ना, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अच्छा यह 1 है तो यह भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जब ये टोटल 2 सेंटीमीटर है तो यह भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मैं इसका नाम कुछ दे दूँ ए बी सी डी इस समलंब चतुर्भुज की, और इसको मैं यहाँ पे ई लिख दूँ, तो यह त्रिभुज ए बी ई एक समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका अगर मैं बात करूं लंब की, इसके शीर्ष लंब की, यानी मैं अगर यहाँ पे ए एफ दे दूं इसकी, तो यहाँ पे इसे अगर मैं एच मान लूं, ठीक है एच मान लूं, तो ये जो एच होगा, यह एच एच किसके बराबर हो जाएगा, तो ये जबकि समबाहु है, अगर मैं शीर्ष लंब की बात करूँ तो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है √3/2 गुना में भुजा, यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब ऊंचाई जो हो जाएगी √3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। पढ़े हुए हैं, समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब जो होता है √3/2 गुना भुजा हुए है, पढ़े हुए हम लोग क्लास 9th में ही पढ़े हुए हैं, चलिए तो 8th में भी पढ़े हुए हैं, ऊंचाई निकल गई। अब अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूंगा, यानी कि क्षेत्र 3 का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्षेत्र 3 के क्षेत्रफल के लिए, तो हो जाएगा ये आपका समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर है, यह आपका 2 सेंटीमीटर है, और गुना में ऊंचाई, यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी √3/2 है, यही ना है √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा ये 3,
तीन हो जाएगा ना, तो 3/2 गुना में √3/2 cm², यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3/4 √3 cm². तो अब हम लोग रूट तीन का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो 3/4 गुना में 1.73 ले लेते हैं, ठीक है, चलिए cm². अब हम लोग तीन से इसमें गुना करके जब 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.2975 cm². चलिए अब हम लोग इसी फिगर में अगले हिस्से की बात करते हैं, यानी कि चौथे और पांचवें क्षेत्र के बारे में। तो चौथा और पांचवा एक ही प्रकार का क्षेत्र है, ये अगर यहाँ पे देखो तो ये समकोण होगा, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर, उसी तरह से यहाँ भी होगा 6 सेंटीमीटर और यहाँ से ये 1.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे क्षेत्र क्षेत्र 4 तथा 5 के क्षेत्रफल का योग। तो एक ही प्रकार का है तो किसी किसी एक का क्षेत्रफल निकाल के हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, तो 2 गुना में क्या होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार 1.5 और ऊंचाई आपका 6 हो जाएगा, है ना, cm², समझ रहे हैं ना। यहाँ आपके 2 से 2 कट जाएगा और इसको गुना कर देंगे तो 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो सबका हमने निकाल दिया, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हवाई जहाज बनाने में, हवाई जहाज बनाया गया है ना, हवाई जहाज बनाने में प्रयुक्त या प्रयोग किए गए कागज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, तो सबके क्षेत्रफल को यहां जोड़ देंगे। तो पहले वाले हिस्से का आया था 2.55 सेंटीमीटर², दूसरे का आया था 6.5 सेंटीमीटर², तीसरे का आया था 1.2975 सेंटीमीटर² और चौथे पांचवे का आया है 9 सेंटीमीटर², तो सबको जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 19.3475 सेंटीमीटर², ठीक है। तो लगभग में ये आपका क्या हो जाएगा 19.4 सेंटीमीटर² हो जाएगा, ये लगभग में, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।